कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। कानपुर शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने चमड़ा उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित और शिक्षित जिलों में से एक है। कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ऐसा शहर भी है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर के मुकाबले कानपुर में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यह शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेहद नजदीक है। कानपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर 7 दिनों तक होली खेली जाती है। लगभग 403 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए कानपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 29 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का 12वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। कानपुर जिला कुल 3 तहसीलों में बंटा हुआ है, कानपुर, भिलौर और घाटमपुर। धार्मिक दृष्टिकोण से कानपुर शहर में 76% हिंदू, 20% मुसलमान, 1.7% जैन तथा 2.3% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। कानपुर शहर की साक्षरता दर 82.42% है। इससे ये पता चलता है कि कानपुर शहर के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। कानपुर शहर का घंटाघर अपने आप में एक रहस्यमय स्थल है। इस ऐतिहासिक घंटाघर को सन 1932 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इस घंटाघर की सुई की आवाज लगभग 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी। शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इस घंटाघर की सुई की आवाज को सुनकर अपनी घड़ियों का मिलान किया करते थे। कानपुर शहर को उत्तर प्रदेश का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। कानपुर शहर का IIT कॉलेज, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, हाकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और PSIT यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस शहर की स्थापना सचेंद्री राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर शहर का मूल नाम कानापुर हुआ करता था। कई वर्षों पहले जब नवाबों का शासनकाल अंतिम चरण में था तब ये शहर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवा, जूही व सीसामऊ गांव के मिलने से बना था। कानपुर के परेड ग्राउंड में अंग्रेजों के शासनकाल में परेड हुआ करती थी, इसीलिए इसको आज के समय में परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में कानपुर के परमट इलाके में लोगों को नदी से दूसरी ओर जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता था। इसी कारण आज इस इलाके को परमट के नाम से बुलाया जाता है। आवागमन के दृष्टिकोण से कानपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, कानपुर शहर में कुल 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। कानपुर सेंट्रल, अनवरगंज, चकेरी, गोविंदपुरी, रावतपुर, कल्याणपुर, चंद्री और पनकी रेलवे स्टेशन, जिसमें से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। हावड़ा जंक्शन और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद कानपुर सेंट्रल भारत का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, कानपुर झांसी मुंबई लाइन और कानपुर लखनऊ लाइन पर मौजूद है। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और वरुणा एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, कानपुर शहर में कुल 3 बस स्टैंड मौजूद हैं, झगरगट्टी, चुन्नीगंज और फजलगंज बस स्टैंड। कानपुर शहर के ये तीनों बस अड्डे भारत के कई शहरों से जुड़े हुए हैं जिनके जरिए आप कानपुर शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग, कानपुर के चकेरी इलाके में स्थित कानपुर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। कानपुर हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु, मुंबई आदि भारत के कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। कई बॉलीवुड फिल्मों ने कानपुर शहर की रंगबाजी और संस्कृति को पूरी तरीके से कैद किया है। शादी में जरूर आना, बाला, तनुवेट्स मनु, दबंग 2, बंटी और बबली आदि कई अन्य फिल्में कानपुर शहर में शूट की गई हैं। कानपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी कानपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना कानपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। JK मंदिर,
कानपुर शहर के सर्वोदय नगर इलाके में स्थित जेके मंदिर कानपुर शहर का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1960 में जेके ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। नक्काशीदार सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। जन्माष्टमी और दिवाली जैसे पावन अवसर पर यहाँ पर स्थानीय पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। ब्लू वर्ड थीम पार्क। कानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्लू वर्ड थीम पार्क कानपुर शहर का एक मुख्य पर्यटक स्थल है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर स्थानीय पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारी वाटर स्लाइड्स भी मौजूद हैं। शाम के समय यहाँ पर लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए कानपुर शहर के लोग यहाँ पर आते हैं। गंगा बैराज। कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र में स्थित गंगा बैराज कानपुर शहर का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। पावन गंगा नदी के तट पर बसे गंगा बैराज को सन 2000 में स्थापित किया गया था। इसके आसपास में कई सारे टी स्टॉल और मैगी पॉइंट भी हैं, जहां पर आप आराम से बैठकर स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। शाम के समय का ढलता सूरज और गंगा की पावन लहरें मानो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर आप एकांत में बैठकर शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ पर जरूर आएं। चिड़ियाघर। सन 1971 में खुला ये चिड़ियाघर भारत के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कानपुर के इस चिड़ियाघर को एलन फॉरेस्ट जू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बाघ, शेर, तेंदुआ, विभिन्न प्रकार के भालू, लकड़बग्घा, लंगूर, वनमानुष, चिंपैंजी, हिरण समेत कई अन्य जानवर आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में यहाँ पर हिरण सफारी भी खोली गई है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मोती झील। कानपुर शहर के हर्ष नगर इलाके में स्थित मोती झील कानपुर शहर का एक प्रमुख पार्क है। कानपुर की मोती झील को अंग्रेजों के समय में पानी के जलाशय के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ पर शाम के समय स्थानीय पर्यटक रिवर बोटिंग व शांति का अनुभव करने आते हैं। कानपुर शहर के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कानपुर शहर के कई अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें जैन ग्लास मंदिर, जेड स्क्वायर मॉल, इस्कॉन मंदिर, ध्रुव टीला, नाना राव पार्क, कमला स्ट्रीट, परमट मंदिर, बिठूर, ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, फूलबाग, जाजमऊ का टीला, कानपुर मेमोरियल चर्च यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।